वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम फोर स्ट्रोक इंजन के सिद्धांत और फोर स्ट्रोक इंजन के वर्किंग के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम फोर स्ट्रोक इंजन के सिद्धांत की बात करते हैं। तो फोर स्ट्रोक जो इंजन होता है यह क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील के दो चक्कर में अपनी चारों क्रियाएं सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट पूर्ण करता है और पावर जनरेट करता है। तो चारों क्रियाएं फोर स्ट्रोक इंजन में, जैसे पहले पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक, जिसको हम हिंदी में अंतर्गम स्ट्रोक भी कहते हैं। दूसरा स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसे हिंदी में संपीड़न स्ट्रोक कहते हैं। तीसरा स्ट्रोक होता है पावर स्ट्रोक और चौथा होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसे हिंदी में वेतन स्ट्रोक कहते हैं। ये इस प्रकार से चारों क्रियाएं सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट एक फोर स्ट्रोक इंजन में संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम सक्शन स्ट्रोक को समझते हैं। सक्शन स्ट्रोक वह स्ट्रोक है जिसमें इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व, दो वाल्व लगे होते हैं, जिसमें इनलेट वाल्व ओपन रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहता है। हम जानते हैं कि सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होता है वो टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। तो सक्शन स्ट्रोक में जो है सिलेंडर के अंदर पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर रन करता है। तो जब पिस्टन टीडीसी पर होता है उस समय 9 डिग्री पहले ही इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है और पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी की ओर चलना प्रारंभ करता है तब सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने के दौरान जब इनलेट वाल्व ओपन होता है तो वहां एटमॉस्फेयर से फ्रेश चार्ज के रूप में शुद्ध हवा या ईंधन मिश्रण सिलेंडर के अंदर दाखिल होता है। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की बीडीसी पर पहुंच जाता है तब तक सिलेंडर में पूर्ण रूप से फ्रेश चार्ज के रूप में शुद्ध हवा या ईंधन का मिश्रण भर जाता है। ये इस प्रकार से सक्शन वाल्व सक्शन स्ट्रोक संपन्न होता है। इसमें पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी चलता है और जो क्रैंकशाफ्ट होता है वो टीडीसी से बीडीसी चलने 180 डिग्री चल पड़ती है। इस प्रकार से सक्शन स्ट्रोक संपन्न होता है। अब दूसरे स्ट्रोक की बात करते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक में। तो कंप्रेशन स्ट्रोक जो होता है इसमें दोनों वाल्व जो इंजन में इनलेट और जो एग्जॉस्ट वाल्व दिए होते हैं वे दोनों वाल्व बंद पोजीशन में होते हैं और पिस्टन सिलेंडर के अंदर बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है और सक्शन स्ट्रोक के दौरान फ्रेश चार्ज पर दबाव डालता है। दबाव डालने से
कंप्रेशन स्ट्रोक में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बनता है जिसपे चार्ज लाल तप्त हो जाता है और इस वॉल्यूम इस स्ट्रोक में जो है पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है जिसे हम कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। इसमें पुनः क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री मूव करती है और कंप्रेशन स्ट्रोक संपन्न होता है। तीसरा स्ट्रोक होता है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में भी इनलेट वाल्व और जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो बंद पोजीशन में होते हैं और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करता है। इसमें कंप्रेशन स्ट्रोक के में दौरान जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है उसी समय इंजन में प्रोवाइड किया गया जो इंजेक्टर होता है उस इंजेक्टर के द्वारा डीजल का उस लाल तप्त चार्ज पर या शुद्ध हवा पर फव्वारों के रूप में डीजल का छिड़काव कर दिया जाता है और जैसे ही लाल तप्त चार्ज पर डीजल का छिड़काव किया जाता है तो वह डीजल ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के दौरान इस पिस्टन पर प्रेशर के साथ दबाव डालता है। जैसे दबाव पड़ा तो उसके उपरांत पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से पावर क्रैंकशाफ्ट पर ट्रांसफर होती है और क्रैंकशाफ्ट से लगा हुआ जो फ्लाईव्हील होता है उस फ्लाईव्हील पर पावर ट्रांसफर हो जाता है। ये इस प्रकार से ये जो पावर स्ट्रोक होता है इस पावर स्ट्रोक में पावर फ्लाईव्हील के ऊपर ब्रेक करी जाती है और इंजन द्वारा पावर जनरेट होता है। उसी प्रकार से चौथा स्ट्रोक जो होता है जिसे हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलते हैं इस एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो वाल्व होते हैं वे वाल्व इनलेट वाल्व जो है वो बंद पोजीशन में रहता है और जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो ओपन पोजीशन में रहता है और जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर बीडीसी से टीडीसी की ओर चलना प्रारंभ करता है तो पावर स्ट्रोक के दौरान जो ईंधन के जलने से जो एग्जॉस्ट गैस होती है उस एग्जॉस्ट गैस पर पिस्टन दबाव डालता है और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होने से वह एग्जॉस्ट गैस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के माध्यम से बाहर निकल जाती है। ये इस प्रकार से फोर स्ट्रोक इंजन में चारों क्रियाएं संपन्न होती है तो सक्शन स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक पावर स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक में सभी एक एक स्ट्रोक में जो क्रैंकशाफ्ट होती है वो 180 डिग्री घूमती है और इस प्रकार से 720 डिग्री पर यह चारों क्रियाएं संपन्न हो जाती है क्रैंकशाफ्ट के। तो ये इस प्रकार से फोर स्ट्रोक इंजन की का सिद्धांत और चित्र के माध्यम से हमने इसके चारों क्रियाओं को समझा। थैंक यू।